आज का हमारा चैप्टर है ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। इसमें एक छोटा पेट होता है जिसका नाम ट्रिकी है और यह एक छोटा सा कुत्ता है। उसकी अमीर मालकिन होती है जो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण करती है और उसके लाड़ प्यार की वजह से वो बहुत अधिक खाना उसे खिला देती है और यही कारण है कि वह छोटा सा कुत्ता बहुत अधिक मोटा हो जाता है। और उसके बाद उसकी मालकिन उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, इस कहानी में हम यह देखेंगे। और क्या वह मोटा कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में सबसे पहले ही डॉक्टर होते हैं जो ट्रिकी को देखते हैं। ट्रिकी को देखते ही डॉक्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं। उन्हें चिंता हो जाती है कि यह एक छोटा सा जीव जो है, एक छोटा डॉगी है, कितना मोटा हो गया है। वो कहते हैं कि उसको मालकिन के साथ उन्होंने गली में देखा था और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद उन्हें एक झटका लगा जब उन्होंने ये देखा कि ट्रिकी बिल्कुल मोटे कबाब की तरह फूला हुआ था, मोटा हो गया था। और कबाब कैसा लग रहा था, जिसके चारों कॉर्नर्स पे टांगें लगी हुई हों। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल और पानी से भरी हुई थी और आगे की तरफ घूर रहा था वो। उसकी जुबान उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी, यानी कि उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर लटकने लगी थी क्योंकि बहुत मोटा हो गया था। उसे सांस नहीं आ रहा था, इसलिए वह हाँफते हाँफते उसकी जीभ बाहर आ जाती थी। श्रीमती पेम्फ्रे जो ट्रिकी की मालकिन है, वो कहती हैं कि आजकल यह बहुत ही आलसी हो गया था। डॉक्टर हैरियट को वह कहती हैं कि आजकल वह बहुत आलसी हो गया था और इस तरह से लग रहा है कि जैसे उसमें एनर्जी ख़त्म हो गई है, शायद वह कुपोषण का शिकार हो गया है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से हो गया है। और वह कहती हैं कि मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा मील खाने का देती हूँ, फूड देती हूँ खाने के लिए, जिससे कि वह अच्छा जल्दी से हेल्दी हो जाए। वह खाने में से माल्ट देती हैं, कोड लिवर ऑयल भी देती हैं और हॉर्लिक्स भी देती हैं जब वह सोने का जब उसका समय होता है तब। और क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ों में कटौती कर दी, डॉक्टर पूछता है कि आप जो उसे मैंने बोला था कि मीठा खाने को मत देना, तो तुमने उसकी स्वीट थिंग्स जो हैं वो उनमें कट डाउन किया है। तो मालकिन कहती है कि ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू वेट, कि मुझे वो इतना कमज़ोर दिखाई दिया कि मैंने फिर कटिंग करना बंद कर दिया, कट डाउन करना बंद कर दिया उसकी मिठाई में। और उसे क्रीम केक, चॉकलेट इतना पसंद है कि मैं अब उसे मना नहीं कर सकती। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने छोटे कुत्ते को दोबारा देखा, उसके साथ समस्या थी। उसका एक ही दोष था कि वह लालच था उसे खाने का। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे से डॉग को देखा और मैंने देखा कि उसका फॉल्ट क्या था। उसका फॉल्ट था उसका ग्रीड, यानी उसका लालच खाने के प्रति। He had never been known to refuse food. वो खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता था। और एंड आई wondered अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पेम्फ्रे हैड mentioned. और मुझे उस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने मुझे कई सारी बातें बताई भी नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाते हो, तो वे कहती हैं कि हाँ, मेरे साथ थोड़ी सी वॉक कर लेता है कि जैसा कि आप देख सकते हो
क्योंकि आजकल हमारा गार्डनर जो है उसे थोड़ा कमर में दर्द है, बैक एक है, इसलिए आजकल वह व्यायाम भी नहीं कर पा रहा है, जिसमें छल्ला फेंक करके हम ट्रिकी को व्यायाम करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वह भी आजकल उसकी नहीं हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया और अब मैं वास्तव में कठोर हो गया था। मैंने बोला, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने बोला, यदि आप इसका भोजन कट डाउन नहीं करेंगे और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो यह एक दिन बीमार हो जाएगा और इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और आपको यह प्रैक्टिस इमीडिएटली करनी होगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। और अभी डॉक्टर को क्या लग रहा था कि ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोन इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, उसने एक छोटा सा कोट पहना हुआ था और उसमें वो बैठा हुआ था बड़ी मुश्किल से। श्रीमती पैम्फ्री ने डॉक्टर की बात सुनकर के अपने हाथ मले और फिर उन्होंने कहा, हाँ मैं इसकी कट डाउन करूँगी इसके खाने में, मुझे विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और वह रोड पर चली गई और उन्हें लग रहा था कि अब वह ट्रिकी को ठीक कर लेंगी, लेकिन उनकी चिंता अब ट्रिकी को लेकर के बढ़ती जा रही थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मिसेस पैम्फ्री वाज डिस्टर्ब्ड। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उनको कॉल किया और श्रीमती पैम्फ्री को काफ़ी दुख था क्योंकि ट्रिकी कुछ भी खाना, उसने सब खाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने जो फेवरेट फूड्स थे वो भी नहीं खाता था, उसकी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी मना कर देता था क्योंकि अब इतना मोटा हो चुका था वह और इसी कारण से बहुत अधिक बीमार हो गया था। अब उसे वॉमिट आने लगी थी खाना देखते ही, या और खाने के साथ उसे वॉमिट आने के साथ ही बस वो हर समय अपने जो उसका बैठने का कालीन था उस पर बैठा रहता था, कंबल पर बैठा रहता था, हिलता डुलता भी नहीं था, ना ही कुछ खाता था और अगर कुछ खा लेता था तो वॉमिट उन्हें लग जाती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपने सारे प्लान्स बना रखे थे ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ही रखकर हम उसे ठीक कर सकते थे, तो मैंने सुझाव दिया कि उसे कुछ नाइट्स के लिए हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना चाहिए। और ये सुनकर के ट्रिकी के मालकिन जो थे वो काफ़ी भावुक हो गई थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने छोटे से ट्रिकी के बिना कैसे रहेगी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेज डस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, जब वो ट्रिकी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो उसके जितने भी नौकर जाकर थे सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, कोई उसके कुशन ला रहा था, कोई बेड ला रहा था, कोई उसके खेलने के लिए रिंग्स जो थे वो लेकर के आ रहा था, कोई ब्रेकफास्ट और लंच के बॉल्स लेके आ रहा था। और आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इस तरह से डॉक्टर ने गाड़ी ड्राइव कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मिसेस पैम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। और डॉक्टर ने देखा कि मिसेस पैम्फ्री जो है ट्रिकी को जाते हुए देख कर के रोने लगी, उन्होंने गाड़ी के शीशे में से देखा कि किस प्रकार से सभी की आंखों में ट्रिकी के जाते समय आंसू आ गए थे।
आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सी बाय माई साइड। गाड़ी में बैठे हुए छोटे से लिटिल जो ट्रिकी था उसको डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने उसका माथा थपथपाया और ट्रिकी ने भी बहादुरी से उसका जवाब दिया। एंड एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च डाउन मी ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैर विद डल आइज वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जब ट्रिकी को वहाँ लाया गया सर्जरी में तो वहाँ कारपेट पर मोशनलेस बैठ गया क्योंकि उसे हिला डुला नहीं जा रहा था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स उसके आसपास आ गए थे और जो डॉग्स थे वो उसके आसपास आ गए थे और स्निफिंग कर रहे थे यानी उसको सूंघ करके पहचानने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्हें कुछ यह अनइंटरेस्टिंग सा लगा सो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया टाल दिया उसको। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वे द अदर डॉग स्लेप्ट जहाँ पर और डॉग्स रहते थे वहीं पर उसके सोने का एक बेड बना दिया गया। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम दो दिन तक मैंने उस पर निगाहें रखी यानी उसकी निगरानी रखी और उसे खाना देना बंद कर दिया गया पानी दिया गया बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के एंड पर ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स अपने आस पास की चीज़ों में उसने इंटरेस्ट दिखाना शो कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड तीसरे दिन वो जो उसे आठ डॉग्स की आवाज़ सुनती थी तो फिर उसने उसका जवाब देना शुरू कर दिया था। व्हेन आई ओपन द डोर जब मैंने दरवाज़ा खोला ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रेवयार्ड एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड ओवर थोरोली इंस्पायरिंग हिम जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह और डॉग्स के साथ उनके साथ खेलने लगा इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम जब खाने का समय हुआ तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था और मैंने देखा कि फूड इनटू द बॉल्स जो खाना परोसा गया था देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग जितने भी सारे कुत्ते थे वो खाने के लिए आ गए थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड सभी कुत्तों को पता था कि यदि पीछे रह जाओगे तो खाने को नहीं मिलेगा। और जब सब खा चुके ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स तो फिर वो बाउल्स की तरफ गया और उन्हें जो बचा हुआ खाना था वह खाने लगा। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और अब उसे थोड़ा वो खाने लग गया था यानी कि उसका खाना पहले बंद कर दिया गया फिर उसे थोड़ा थोड़ा खाना दिया गया। फ्रॉम दैट ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड अब वह बहुत जल्दी ठीक होने लग गया था उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई थी। और ऑन द वाइल मिसेस पैम्फ्री होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड तभी उसकी मालकिन उसे देखने आ गई थी जो उसकी चिंता में कई बार डॉक्टर को कॉल कर चुके थे और लगातार वह टिकी के बारे में पूछ रहे थे कि टिकी कैसा है और डॉक्टर उसे कह रहा था कि अभी तो वो कन्वलसिंग है यानी थोड़ा ठीक हो रहा है। और इस तरह से वो मिसेस पैम्फ्री जो थी वो इससे कुछ इसे लग रहा था कि ठीक हो जाएगा और उन्होंने एक समय में दो दर्जन ताज़ा अंडे टिकी में शक्ति का निर्माण करने के लिए लाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी सारा सामान उसके खाने का लेकर के आ गए थे। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग उस समय पर कुछ अतिरिक्त उसे एग्स जो थे वो दिए जाते थे
और जब ट्रिकी अब उसका जो पूरी बॉडी थी उसकी पूरा उन्हें विश्वास हो चुका था कि कुछ रातों के लिए शराब के दौर जो थे वो चलते रहे, और वो उसे सूंघ जाता और सम्मान पूर्वक पी जाता था। यानी कि जो उसे ब्रांडी दी जाती थी वो उसको सूंघता और थोड़ा पी जाता था। कुछ ही टाइम बाद विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल जो आउट अप आउटसाइड द सर्जरी। एक बड़ी गाड़ी जो थी वो सर्जरी के बाहर आकर के रुकी और उसमें मिसेस पैम्फ्रे को उन्होंने देखा, डॉक्टर ने, और उन्होंने अपने हाथ आगे की तरफ मजबूती से बढ़ा रखे थे, और उनके जो जो डर के कारण या अपने कुत्ते से मिलने के कारण उन्हें बिल्कुल एक भय सा लग रहा था। तो हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसने बड़ी मजबूती से अपने हाथ पकड़े हुए थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे बताओ कि मेरा कुत्ता ठीक हो गया है या नहीं। यानी उसके जो एक जानने की इच्छा है तो वह बार बार ये बात पूछना चाह रही थी। तब डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसे लेकर के आता हूँ। इस प्रकार से वह बाहर आ जाते हैं। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। और बहुत सारे कुत्ते जो थे लॉन में घूम रहे थे, इधर उधर वो घूम रहे थे। उन्हीं में गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। और इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिप हार्ड मसल एनिमल। और 2 सप्ताह में अपर काफ़ी एक मजबूत सा अच्छा सा प्राणी बन गया था, हेल्दी भी वो हो गया था। अब पहले की तरह वह बीमार नहीं रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे वापस जो पासेज था यानी गैलरी जो थी वहाँ से गलियारे के अंदर से उठाकर घर के सामने ले आया। जो कार का ड्राइवर था उसने अभी भी कार का दरवाज़ा थाम रखा था, और चीकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह तुरंत ही एक छलांग में मिसिस पैम्फ्रे की गोद में सवार हो जाता है और भौंकते हुए उनके चेहरे को लिक करने लगता है। और ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अभी ये जो स्थिति थी वो बहुत ही एक्साइटमेंट की थी। आई हैड द शॉक फॉर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट टॉयज। जो उसका जितना भी सामान मिसिस पैम्फ्रे ने जो उन्हें दिया था वह लाने के लिए उन्होंने कहा। और इस प्रकार से जो हैरियट हैं वह चिल्ला करके उन्हें धन्यवाद देती है कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ ए टाइम ऑफ सर्जरी, कि आपने जो इसकी शल्य चिकित्सा की है मैं उसका आपका थैंक यू आपको करती हूँ उसके लिए। अब मिसेस पैम्फ्रे को ये पता नहीं था कि कुत्ते का खाना कट करके केवल उसे पानी दिया गया और उसे बच्चों के साथ खेलने दिया गया, यानी और उसके जैसे कुत्ते जो थे उनके साथ खेलने को मौका दिया गया। और यही वजह थी कि अब वह एक बहुत अच्छा सा स्वस्थ सुनहरा टीकी बन गया था और बहुत ही हेल्दी कठोर मांसपेशियों वाला, यानी कि अब उसके मसल्स जो थे वो कमज़ोर नहीं रहे थे। और वह इस सब का इन का जो है कारण किसको मान रही थी, सर्जरी को कारण मान रही थी। उन्हें ये पता नहीं था कि टीकी का जो है केवल रूटीन चेंज किया गया था। अगर आपके इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।